सबके पास जीवित रहने का एक सीमित समय होता है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जलन और द्वेष के कारण हम जो समय अपने विकास और प्रगति में लगा सकते थे, वो समय हम उसके विषय में सोचने में लगा देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक स्वयं को जलाती है, तो अपने जीवन को धुआं बना देना क्या उचित है? किसी की प्रगति को देखकर अपने मन में ईर्ष्या और जलन लाने से उचित क्या ये नहीं होगा कि हमारे कारण किसी के होठों पर मुस्कुराहट आए? एक बार अपने मन से जलन को निकाल के तो देखिए, अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे और समझ में आएगा कि इस ईर्ष्या के कारण हमने क्या क्या खो दिया है।